नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 21 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के बेटे डॉक्टर दीपेश और उसके टीचर दोस्त को पकड़ लिया है। जांच टीम ने 3 अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। हालांकि एसओजी और बाबूलाल कटारा के परिवार के लोग इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और ड्राइवर गोपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी पारिवारिक सदस्यों और दोस्तों से पूछताछ करने में जुटी है। एसओजी की टीम बुधवार रात को डूंगरपुर पहुंची और सुभाष नगर स्थित बाबूलाल कटारा के घर से उनके बेटे डॉक्टर दीपेश कटारा और दीपेश के दोस्त सरकारी टीचर गौतम कटारा निवासी भाटपुर को पकड़कर अपने साथ ले गई। वहीं कटारा के दामाद डॉक्टर रवि घूगरा, दीपेश के दोस्त भारतेंदु और विनय ताबियार से भी पूछताछ की गई। राजस्थान में 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर का फायदा उन्हीं पात्र कनेक्शन धारियों को मिलेगा जो सरकार के राहत कैंप में आएगा। ये कैंप 24 अप्रैल को गांवों और शहरों में लगाए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत राहत कैंप लगाए जाएंगे। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक योजना का फायदा लेने के लिए पात्र कनेक्शन धारी को कैंप में आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन फूड एंड सप्लाई विभाग के पोर्टल पर होगा। इसके जो डाटा सरकार को उपलब्ध होगा उसी के आधार पर कैश सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इन कैंप में गैस कनेक्शन की डायरी या पूरा में जारी रसीद की कॉपी के अलावा जन आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए कैंप में पोर्टल पर सारा डेटा डालकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को पंजाब पुलिस ने अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में ले लिया, क्योंकि वह लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि भगौड़े और खालिस्तान विचारक अमृतपाल सिंह की ब्रिटेन मूल की पत्नी किरणदीप कौर कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब के लिए विदेश से धन जुटाने के मामले में पंजाब पुलिस के रडार पर पहले से ही थी। किरणदीप कौर वर्तमान में अमृतसर जिले के अमृतपाल सिंह के पैतृक गांव जल्लूपुरा खेड़ा में रह रही थी। अभिनेता कार्यकर्ता देवगंत दीप सिद्धू द्वारा बनाए गए संगठन का समर्थन करने में उनकी भूमिका के लिए पुलिस द्वारा उनसे कई बार पूछताछ की गई है। राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने विदेश से आने वाले कोयले की मिलावटी खेल का पर्दाफाश किया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली समेत 13 जगह पर रेड मारकर करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक मिलावटी कोयला बरामद किया है। साथ ही उपयोग में ली जाने वाली पिकअप गाड़ी, लोडिंग गाड़ी, ट्रक समेत अन्य गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। मामले में दर्जनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिनेश एमएन के मुताबिक कोयला रशिया, इंडोनेशिया, यूएसए से गुजरात बंदरगाह पहुंचा था। भारत में आने के बाद कोयले की मिलावट हो रही थी। गुजरात के माफिया कई वर्षों से बड़े पैमाने पर कोयले में मिलावट कर रहे थे। डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश के सुपरविजन में कार्रवाई की जा रही है। अजमेर के गंज थाना अंतर्गत 23 वर्षीय युवती से रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को झूठे प्यार में फंसा कर शारीरिक संबंध बनाए गए, बाद में उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता ने जब आरोपी से रिलेशन खत्म करना चाहा, तो आरोपी ने उसे एसिड डालकर मारने की धमकी दी। परेशान होकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दी है। पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 17 अप्रैल 2023 को आरोपी युवक के द्वारा उसके साथ क्लिक की गई फोटो वायरल कर दी। पिछले 3 सालों से आरोपी पीड़िता को झूठे प्यार में फंसा कर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है। इस दौरान उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई। पुलिस ने रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरत की सत्र अदालत ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अदालत ने अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी के लिए 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था, जहां उन्होंने कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। अदालत ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें अगले दिन लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। गांधी के वकीलों ने 2 आवेदन दायर किए थे, एक मामले के निस्तारण तक जमानत के लिए और दूसरा अपील पर फैसला होने तक सजा को निलंबित करने के लिए। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया।
इसका मतलब है कि उन्हें संसद सदस्य के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कानून के तहत स्वीकार्य अधिकतम सजा भी लागू की। अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश में 10 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। साथ ही फतेहपुर नगर पालिका को कर्मोन्नत कर नगर परिषद बनाया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदेश कुमार ने अधिसूचना भी जारी की है। सभी नगर पालिकाएं चतुर्थ श्रेणी की होंगी। स्वायत्त शासन विभाग ने बूंदी जिले में 2, दौसा में 3, करौली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जोधपुर में एक एक नई नगर पालिका बनाई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया है उनके संपूर्ण क्षेत्र के साथ साथ आसपास राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इन ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत सबसे बड़ी थी उसका सरपंच नवगठित नगर पालिका में अध्यक्ष होगा। इसके अलावा वार्ड पंचों को वार्ड सदस्य समझा जाएगा। झालावाड़ जिले के साइबर थाना पुलिस ने यौन विकृत मानसिकता से ग्रसित युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर अपना फर्जी अकाउंट बनाकर पहले नाबालिग लड़कियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ता था और बाद में उनसे फ्रेंडशिप कर उनकी न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयुक्त मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड, लैपटॉप आदि उपकरणों को भी जब्त किया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि शिकायत मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति शहर की बालिकाओं के साथ सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम व स्नैपचैट पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर बालिकाओं को अश्लील चैटिंग कर परेशान कर रहा है। यही नहीं, बालिकाओं की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने के साथ न्यूड कंटेंट बनाने, उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने असनावर निवासी जितेंद्र सोनी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल के 9212 पदों पर निकली वैकेंसी के आवेदन की तारीख को 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। CRPF ने कांस्टेबल तकनीकी में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9212 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें पुरुष उम्मीदवार को 9105 और महिला उम्मीदवार को 107 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच होने चाहिए। बूंदी जिले के कापरेन शहर में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर कापरेन बाईपास पर अलसुबह ट्रेलर व मेटाडोर की टक्कर में मेटाडोर सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 जने गंभीर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह 5 बजे करीब लाखेरी की ओर से आ रही मेटाडोर ने कापरेन बाईपास पर आगे चल रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मेटाडोर सवार 45 वर्षीय युवक महेश माली निवासी जलोखरा गंगापुर सिटी की मौके पर ही मौत हो गई। वही चालक सहित 3 अन्य साथी गंभीर घायल हो गए। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि मेटाडोर के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तीनों घायलों को कोटा रेफर किया गया। सूचना पर कापरेन पुलिस मामले की जांच कर रही है।